कुमारी रमाच्या प्रथम पर्वामध्ये सुंदर असं गाणं जे की रफी साहेबांनी गायलं होतं, जे एक देशभक्तीपर गीत आहे ते मी विनंती करेल की ते गीत आपण देशभक्तीपर या ठिकाणी सादर करूयात. सर्वजण जागेवरती थांबतील आणि त्या गीतानंतर दीप प्रज्वलन होऊन मान्यवरांचं त्या ठिकाणी व्यासपीठावरती आगमन होणार आहे. चालू करा चालू करा. या ठिकाणी मान्यवरांची ज्यांची आपण प्रतीक्षा करत आहात ते मित्र साहेबजींचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. अनेक माजी आजी सैनिक जे या ठिकाणी ज्यांना आपण आता नुकतंच सन्मानित केलेलं आहे त्या सर्वांची स्वतः मित्र साहेब जागी येऊन त्या ठिकाणी भेट घेत आहेत. फोटो नाही घेत सर, मी शूट घेतोय. आम्ही हा शहीद परिवारांना सन्मानित करत नाही तर हा आम्ही शहीद परिवाराचं ऋण व्यक्त करण्यासाठी हा आम्ही कार्यक्रम आयोजित केलाय. आमच्या भारतीय सैनिकांचं आमच्या देशाप्रती असलेलं ऋण व्यक्त करण्यासाठी आम्ही हा कार्यक्रम आयोजित केलेला. ऑल इंडिया अँटी टेररिस्ट फ्रंटचे ते चेअरमन म्हणून काम करत आहेत. जेव्हा जेव्हा देशामध्ये सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो बोलण्यासाठी जर आपण चेहरा कोणता पाहतो तर तो या देशासाठी एकच चेहरा आहे आणि ते म्हणजे MSG बिट्टा साहेब. आवर्जून उपस्थित राहिलेले बिट्टा साहेब यांचा सन्मान करण्यासाठी तमाम शहीद परिवारांच्या वतीने आजी माजी सैनिकांच्या वतीने सहदेवजी उभे यांना मी विनंती करेल. आपण देखील भूमीमधून होत आहे. नेहरू युवा मंडळ अध्यक्ष अतुल जीवे आणि त्यांचे सर्व कार्यकर्ते. सन्मानपूर्वक आपण आमंत्रित करतोय वीर पत्नी श्रीमती रेशमाताई चांगडे यांना. यानंतर मी व्यासपीठावरती मांढरे परिवाराला आमंत्रित करेल ज्यांची आपण आठवण काढतो. शहीद जवानांच्या आठवणींना उजाळा देत त्यांच्या मातोश्री सुनिश्चित करू शकताय. नंदन मध्येत हा मांढरे परिवाराचा या ठिकाणी ऋण व्यक्त केला जात आहे. यानंतर ज्यांच्या आपण स्मृतींना उजाळा देतो शहीद जवान वीर माता दुर्गा आपण देशाला सर्वस्व अर्पण केलं आणि त्याच आठवणींना उजाळा देत आता 5/6/2022 5 जूनला हे शहीद जवान झालेले आहेत. त्यानंतर सुभेदार विजयराव सर्जेराव शिंदे जे शहीद जवान आहेत आणि शहीद जवान दीपक जगन्नाथजी गाडगे या परिवारातील देखील वीर पत्नी निशादाई गाडगे आपण उपस्थित आहात. आपण देखील यायचं वीर माता सिंधुताई यादव आपण देखील उपस्थित आहात. आपल्याला देखील मी व्यासपीठावरती सन्मानपूर्वक आमंत्रित करेल. असे बिट्टा साहेबजी यानंतर आपल्याला सगळ्यांना संबोधन करणार आहेत. त्या अगोदर श्री विजयजी मोरे आणि त्या ठिकाणी ग्रुप फोटो घेण्यात येत आहे. वंदे वंदे वंदे.
या ठिकाणी दोन विशेष मान्यवरांचा सत्कार देखील बिट्टा साहेबजींच्या हस्ते होतोय. 1971 युद्धामध्ये ज्यांनी अमूल्य योगदान दिलं, देशासेवासाठी लढले, सुभाषजी ढेरे तसेच कॅप्टन नामदेवजी ज्ञानदेवजी मोरे या मान्यवरांचा या ठिकाणी बिट्टा साहेबजींच्या हस्ते सत्कार होणार आहे. तेव्हा त्यांना विनंती करण्यात येते आहे की यानंतर या कार्यक्रम संपन्न झाल्यानंतर मी विनंती करतोय माननीय श्री माननीय बिट्टा साहेब जी आप आगे आके जितने भी यहां पे उपस्थित है उन सबको संबोधित करेंगे. आदरणीय बिट्टा साहेब जी वंदे भारत माता की. जोरदार एकदा टाया वाजवा. शहीद तेरी मौत है इस वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठी उस चमन की जिंदगी. आज मैं उस महान धरती पे आया हूं, वो धरती छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इन शहीद परिवारों को और उन शहीदों को याद करते हुए अपनी बंदूक पकड़ के आप सोते हैं, वो सेवाओं की रक्षा करता है. आप सोते हैं जवान सीमाओं पे, मातृभूमि की कड़क सर्दी में, कड़क गर्मी में जब बंदूक पकड़नी मुश्किल होती है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज, चंबाजी महाराज, इन शहीद परिवारों को और उन शहीदों को याद करते हुए अपनी बंदूक पकड़ के आप सोते हैं, वो सेवाओं की रक्षा करता है. एक प्रेरणा लेके जाता हूं और उनका एहसान मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा. जिन्होंने छत्रपति शिवाजी विरासत को अभी तक जिंदा रखा है, मैं हर जगह पे बोलता हूं कि अगर कुछ सीखना है तो चीखो जाके महाराष्ट्र के लोगों से, महाराष्ट्र की धरती से. आपको छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे खड़े आए नजर आएंगे और उनकी मूर्ति के ऊपर, उनके उनके स्टैचू के ऊपर अगर हार भी पड़ा होगा तो साफ सुथरा पड़ा होगा. ये नहीं कि किसी ने डाल दिया, जैसे हम कई नई दाताओं के डाल देते हैं, एक एक साल पड़ा रहता है, उसको गुरु के रूप में मैं मानता. योद्धा तो थे पर छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे लिए गुरु थे. छत्रपति शिवाजी महाराज हीरो नहीं थे, वो हमारे गुरु थे, गुरु हैं और आखिरी तक जब तक दुनिया रहेगी वो गुरु रहेंगे. हमारा सिर इस दुनिया में शर्म से झुक जाता है. हमारा जवान लड़ने के लिए तैयार था, हमारा जवान ने मौत का कफन बांधा था, पर हमारे जवान को सीमाओं में उस वक्त गोली चलाने की इजाजत नहीं थी. जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आप लोगों ने एक वो बहादुर योद्धा नरेंद्र मोदी को भेजा, उसने कहा अब एक गोली चलेगी तो 100 गोली का जवाब दिया जाएगा. जवानों की शहादत मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा. आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी जवान की बॉडी आज लगभग किसी गांव में आती है? नहीं. क्योंकि आप सोते हैं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सारी रात सीमाओं की रक्षा को देखता है. जब आता है नया साल, जब आती है दिवाली, घर में नहीं बैठता. कड़क सर्दी हो या कड़क गर्मी हो, चले जाते हैं जवानों के पास,
जब चाइना आंख दिखाता था हिंदुस्तान को, तब पूरी दुनिया चाइना से डरती। हिंदुस्तान का वो प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती, जिसका कई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां मजाक उड़ाती चले जाता था चाइना के बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, उधर चाइना के जवान की गोली तैयार खड़ी है, हमारे जवान की गोली तैयार खड़ी है, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चाइना के राष्ट्रपति को कहता है, इशारों इशारों में कहता है, पाकिस्तान की आईएसआई को कहता है, अगर पहली गोली चलेगी, पहले नरेंद्र मोदी के 56 इंच का सीना पार करेगी, फिर मेरे जवान की तरफ जाएगी। ये आज का प्रधानमंत्री आपने हमको दिया। जिस दिन हिंदुस्तान का हर राजनीतिक व्यक्ति नरेंद्र मोदी की तरह, अमित शाह की तरह और हमारे जवानों की तरह एक संकल्प ले लेगा, आज ही तो कल जाना है, हम सुबह उठ करके जब हनुमान जी गुरु महाराज के आगे हाथ जोड़ करके, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के आगे हाथ जोड़ करके जब प्रेयर करते हैं, हम नहीं भूलते, हमें आवाज आती है कि भगवान नरेंद्र मोदी की उम्र लंबी करना, इसकी उम्र इतनी करना कि उम्र का कोई हिसाब ही ना हो। ये भगवान का भेजा हुआ हमें फरिश्ता मिला है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के छोट पे चलता हुआ हमें एक योद्धा मिला है, इसकी उम्र लंबी करना। वंदे मातरम, जय हिंद, जय माता की। माफी देना, मैं सरपंच शोभा ताई जी का नाम भूल गया, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए और हमेशा हम आपके शुक्र राष्ट्र भी किया। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल जित रंग शुभ ना।